दोस्तों, आप ये वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सॉफ्टवेयर के बारे में जिसकी मदद से आप सारे ब्लॉक साइट जो हैं वो ओपन कर सकते हैं और सिक्योरली ब्राउज कर सकते हैं इंटरनेट को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं RPM Tech Tips और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसकी मदद से आप जो सारी ब्लॉक वेबसाइट है वो ओपन कर सकते हैं और जो आपकी ब्राउजिंग है वो बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर का नाम है टनलवेयर। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मोबाइल के लिए और कंप्यूटर के लिए, दोनों के लिए ये सॉफ्टवेयर है। आप दोनों में मोबाइल के लिए ऐप भी है और दोनों में आपको 500 MB फ्री मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप अगर रजिस्टर करेंगे तो 500 MB आपको जो है फ्री मिलेगा ब्राउज करने के लिए। अब दोस्तों, मैं बता देता हूँ ये वर्क कैसे करता है। आपको अगर पता हो तो जो टोरेंट वेबसाइट है वो सारी ब्लॉक हो चुकी है, तो मैं आपको वो ओपन करके बताऊंगा। हालांकि मैं उससे कुछ डाउनलोड नहीं करूंगा, ऐसी चीज़ डाउनलोड नहीं करूंगा जो कि इलीगल है। आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें, जो कि डाउनलोड करना इलीगल है वो आप थोड़ा सा यहाँ पे इग्नोर करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे ओपन करके बताऊंगा इस सॉफ्टवेयर की मदद से। आपको कुछ नहीं करना है, ये सॉफ्टवेयर जो है ओनली आपके जो कंप्यूटर है उसमें डाउनलोड करना है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑफ है, तो यहाँ पे आपकी जो ये जो यहाँ पे आपको 500 MB मिलेगी उसमें से ही जो है कोई अमाउंट नहीं लगेगा। मतलब कि यहाँ पे 500 MB में से आपका नहीं जाएगा। आप नॉर्मली नॉट सिक्योर्ड है, मतलब कि आप टनलवेयर से अभी ब्राउज नहीं कर रहे हैं। आपकी जो नॉर्मल आपने नेट पैक ले रखा है उससे आप ब्राउज कर रहे हैं। अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो इस 500 MB में से लगेगी और आपका जो इंडिया का जो आपने जो लोकेशन सिलेक्ट करी हुई है, मान लो आप यूनाइटेड स्टेट या जो भी आपको सिलेक्ट कर रखी है वहाँ से आप जो है ब्राउज कर सकेंगे। यानी कि आपको आपका जो ISP है, यानी कि आपको जो भी आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे उसको लगेगा कि आप जो है यूनाइटेड स्टेट से जो है विजिट कर रहे हैं वेबसाइट में। तो जो भी जो ब्लॉक साइड है वो सारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो कैसे करते हैं वो मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कि अभी देखिए आप, मुझे यहाँ पे 1 GB और 400 MB करीब मिली है। वो कैसे मिली वो भी मैं आपको बताता हूँ, 500 MB के बाद ये मुझे मिली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसको ऑफ रख के। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं अभी ऑफ है ये, तो अभी मतलब मेरा कनेक्शन सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पे मैं टोरेंट जो है वेबसाइट वो ओपन करके बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने जो है वेबसाइट यहाँ पे ओपन करी है और ये इस तरह का कुछ यहाँ पे हमको मैसेज मिलता है जब हम कोई ब्लॉक वेबसाइट जो है ओपन करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये यहाँ पर इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इस वेबसाइट के ज़रिए काफ़ी यहाँ पे इलीगल काम होता है। तो हम इलीगल काम नहीं करते हैं यहाँ पर, मतलब कि इस वेबसाइट में काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं मैं टोरेंट की बात कर रहा हूँ, काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट भी होती है जो शायद इंडिया में अवेलेबल नहीं होती है। उनको हमको लॉग इन करना रहता है, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी रहती है, या इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप सिक्योरली ब्राउज भी कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर कोई बैंक का कोई आपके काम है तो बैंक की वेबसाइट पे जाके आप जो है आपका सिक्योरली काम कर सकते हैं और आपको कोई जो है ये इसका जो कनेक्शन रहता है वो इनक्रिप्टेड होता है। तो यहाँ पे आपको कोई जो है आपका जो आपने डेटा एक्सेस किया है या फिर जो भी आप करते हैं वो सिक्योर रहेगा, आपका कोई यहाँ पे उसको हैक नहीं कर पाएगा बीच में। तो जैसे अभी ये ब्लॉक है, अभी मैं इसको जो टनलवेयर ऑन करता हूँ, यानी कि ये सॉफ्टवेयर में मुझे जाके कुछ नहीं करना है, ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है और यहाँ पे इसको ऑन करना है। अब ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे जो है सिलेक्ट की हुई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ऑन हो रहा है, कनेक्टिंग हो रहा है। मैंने यहाँ पे US सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि US का जो है सर्वर सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये US के सर्वर में यहाँ पे जो है कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा कनेक्ट होने में, आप डिपेंडिंग ऑन योर नेट स्पीड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैसेज आ गया है मुझे कि अब हम कनेक्टेड हो गए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योर्ड टनल, यानी कि सिक्योर्ड एक जो एक मान लो टनल है, एक तरह का टनल, मतलब कि सिक्योर जो हम ब्राउजिंग करेंगे वो पूरी सिक्योर रहेगी यहाँ पे। टनल ऐसे ही उन्होंने एक एज एग्जांपल बोला हुआ है। तो वहाँ पे हम जो है हमारा जो अभी हमारा जो US जो लोकेशन है वो US सिलेक्टेड है, तो US से हम जो है ब्राउजिंग कर रहे हैं। ये हमारे जो जो भी हम वेबसाइट पर विजिट करेंगे उनको ऐसा लगेगा, क्योंकि हमने ये सॉफ्टवेयर का यूज़ किया हुआ है टनलवेयर। तो अब हम इस वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी मैंने ओपन किया था विदाउट टनलवेयर यूज़ किए हुए, अब मैं टनलवेयर का यूज़ कर रहा हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो है वेबसाइट यहाँ पर हमारी इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे कोई भी प्रॉक्सीज वगैरह का यूज़ नहीं किया है, ये एक तरह का VPN है एक तरह का। मान लो ये यहाँ पे आपकी जो लोकेशन है वो यूनाइटेड स्टेट बताता है।
अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि आईपी एड्रेसेस ये है और पूरे लोकेशन ये है, यूनाइटेड स्टेट आ रही है यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो है वेबसाइट ब्लॉक वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से आपको जो इलीगल है वो नहीं करना है, जैसे कि मूवी डाउनलोड करना वगैरह। तो ये आपको करेंगे तो मेरे हिसाब से तो ये इलीगल है, तो ये नहीं करना चाहिए आपको। जैसे कि टोरेंट पे बहुत सारी फ्री चीज़ें मिलती है, जिन्हें कि जरूरी नहीं है मूवी। आपको जो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, जो मतलब फ्रीली अवेलेबल हैं, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको डाउनलोड करना है तो। और भी कई सारी वेबसाइट है, उनको आप जो है विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टनल वेयर आपके काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल में भी सेम तरीके है, आपको ऐप डाउनलोड करना है, इसको ओपन करना है। इसी तरह से जैसे आप ओपन करेंगे और इसको ऑन कर देंगे तो आप मोबाइल में भी इसी तरह का यूज कर पाएंगे इसको। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 1 GB आपको किसी मिलेगा, यानी कि 500 MB मिलता है हमको पर मंथ। इसमें अगर आप फ्री प्लान लेते हैं तो 500 MB पर मंथ मिलता है। अब इसमें अपग्रेड करते हैं तो आपको अनलिमिटेड मिलता है, यानी कि आप कितने भी डेटा यहाँ पे असेस कर पाएंगे, आपका कंट्री स्विच करके आप कितने भी डेटा असेस कर पाएंगे। तो अपग्रेड करेंगे इसको तो कुछ यहाँ पे अमाउंट पे करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से 500 MB खूब है, क्योंकि हम इतना यहाँ पे इतना ये नहीं करते हैं, मतलब कि हमको कुछ डाउनलोड तो करना है नहीं, तो हमें ब्राउजिंग करना है ओनली। तो ब्राउजिंग के लिए 500 MB पर मंथ ठीक है। तो अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर ये आपने एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको ये बताना है कि मैंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, हमने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, ये आपको ट्विटर पर शेयर करना है। तो ये टनल वेयर जो है, ये क्या जो जो ये सॉफ्टवेयर है, ये आपको जो 1 GB और फ्री एक्स्ट्रा दे देगा, यानी कि आपको पूरी 1500 MB मिल जाएगी ब्राउज करने के लिए सिक्योरली पर मंथ। तो इस तरह से आप जो है 1500 MB यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आपकी ब्राउजिंग के लिए। अगर आपका कोई ब्लॉग वेबसाइट यहाँ पे अगर आपको ओपन करनी है तो इस तरह से पूरा आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप ज़रूर से इसको करिए। हालांकि आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि आपको इलीगल कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ये आप ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक है, उसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लास्ट के दोनों अपलोडेड वीडियो देखना है तो यहाँ पे दोनों अपलोडेड वीडियो है, उनके जरिए आप लास्ट के दोनों अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।